रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नून्स, पिछले 2 सालों में उनके साथ क्या क्या हुआ है ना, सब मैं ही जानता हूँ। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, दुख सुख सब आते हैं, इंसान को उभर कर उससे निकलना पड़ता है। जिंदगी को अपने हाथों में लो बेटा, टेक द टेस्ट। अब मुझे उसकी जरूरत नहीं, तुम हो तो मैं हूँ। तुम नहीं जाने दोगे ना? कहते हैं जिंदगी और मौत एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, शायद उनका नाता भी वही है जो मोहब्बत करने वालों का होता है। पता है मुझे क्या लगा था कि हमारी लव स्टोरी ना वंस अपॉन अ टाइम से शुरू होगी एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर पे खत्म। मुझे पता था ये जिया और दिया ना ये नालायक ही निकलेंगे और उनकी सारी फेरी टेल्स तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी। थोड़ा कम कर दो, बहुत सुंदर लग रही है आज। मेरा फेवरेट परफ्यूम। बट यू डू रियलाइज राइट कि अगर तुम मेरा परफ्यूम पहनोगी तो आदमी जैसी स्मेल करोगी। आई मीन अ वेरी सेक्सी मैन बट अ मैन। मुझे तो सिर्फ एक ही स्मेल याद आती, हॉस्पिटल के सैनिटाइजर की। तुम्हारे साथ रहती हूँ ना, तुम नहीं समझोगे। क्या इन आंखों में ना अब सिर्फ दर्द है और मायूसी है। पता है ज्यादा रोने के 2 फायदे होते हैं, एक आंखें साफ रहती हैं और दूसरा लंग्स एक्टिव रहते हैं। संभालो अपने दिल को, छोटा सा तो है, इतना सा मालूम है, एक फिस्ट जितना होता है दिल, तो क्या फर्क पड़ता है, दिल ही तो है। नजरिए का फर्क है, मेरे लिए दिल ही है। जो आसान होता है। ऋत्विक और पलक की लव स्टोरी में तो सबको इंटरेस्ट था, पर इस 2 साल के गैप में क्या आप जानते हो उनके बीच क्या बीता? और ये एक तरह से सच भी था, वो हमसे दूर बहुत दूर हो चुका था और उसके वापस आने की उम्मीद नहीं थी। पलक स्टेबल है लेकिन ऋत्विक कोमा में है सर। अगर वो कोमा में कुछ दिन रहा तो फिर ठीक है, मगर लगता नहीं कि वो कभी कोमा से बाहर आ पाएंगे। अब आपकी चॉइस है टू कीप हिम इन कोमा और नॉट। नून फैमिली ने कई मुश्किल मेडिकल केसेस देखे थे और जानते थे कि कोमा में से लौट के आना सिर्फ फिल्मों में होता है, असली लाइफ में नहीं। अपनी आंखों के सामने किसी की जान जाते देखना बहुत मुश्किल होता है, पर उससे कई ज्यादा मुश्किल है अपनी आंखों के सामने किसी को बेजान पड़े रहते देखना, और वो भी किसी ऐसे बंदे को जिसमें इतनी जान थी। और पलक वो कैसे सह पाती इसे जिसकी जान खुद ऋत्विक में थी। डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि भाई भाई कोमा में। विद भाई गॉन इनटू कोमा, मानो पूरी फैमिली कोमा में चली गई थी, स्पेशली पलक। उसमें और रिक्की भाई में कोई फर्क नहीं रह गया था। और जिया एक्सीडेंट के बाद अपने मामा और डैड को मरते देख वो ट्रॉमा में चली गई। स्कूल में हम इसे जो भी पढ़ा रहे हैं सिखा रहे हैं वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करती। मोर देन दैट आई थिंक शी नीड्स ट्रीटमेंट टू। बच्ची बहुत ही ज्यादा शॉक में है। एक तरफ हम सब रिक्की भाई को लेकर परेशान थे तो दूसरी तरफ नून्स बायोटेक बिल्कुल निगलेक्ट हो गई। ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स डिले होने लगे, सप्लाई चेन डिस्टर्ब्ड हो गई, नून फार्मा बैंक्रप्ट होने वाली थी। मुझे नहीं समझ आ रही ऐसे कैसे काम चलेगा। शिवम ऑफिस जाता नहीं, आप सारा दिन हॉस्पिटल में बैठे रहते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो नून बायोटेक को कोई नहीं बचा पाएगा रियली। ऑन टॉप ऑफ दैट ऋत्विक भाई का बिल इट्स टचिंग द रूफ, हमसे नहीं अफोर्ड हो पा रहा। और डैड घर में सब हार चुके थे, ऐसा लग रहा था किसी को अब कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आई वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। विक्रांत
जिसने रिकी भाई का सारा बोझ संभाल लिया था। एक जमाने में हमारे लिए वो दुश्मन था, रिकी का सौतेला भाई। लेकिन इस वक्त उस आदमी ने नून परिवार की डोर कस के पकड़ रखी थी। उसी के रहते आज हम सब एक परिवार थे, साथ थे। उसने सचमुच रिकी भाई की जगह ले ली थी। मैं सेल्फिश नहीं हो रही हूँ, ऑनेस्ट हो रही हूँ। वी नीड हेल्प। क्यों नहीं? It was Vikrant, जो हम सब के लिए सेवियर बना। By the way, this hospital is owned by me, so यहाँ पे बिल्स की भी कोई टेंशन नहीं होगी। Thank you so much. लेकिन विक्रांत ने ही नून फार्मा को और इस परिवार को उस मुश्किल दौर से निकाला। चाहे रिकी भाई का इलाज हो या जिया को सदमे से बाहर लाना, विक्रांत में ही जिया को रिकी की झलक मिली। क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत जोर से लग गई। जहां सब इमोशनली सोच रहे थे, I was the only one who was thinking practically. रीवा यार, क्या बोल रही हो तुम? हाँ, तुम ये कहना चाह रही हो कि पलक और विक्रांत को शादी कर लेनी चाहिए? हाँ, because विक्रांत likes पलक। अरे बाबा, एक बार सोच समझ के तो बोलो ऐसे। सोच समझ के ही बात कर रही हूँ। लाइफ पलक को दूसरा मौका दे रही है अमन। एंड अमन, लेट्स नॉट फॉरगेट, रिकी भाई वापस नहीं आने वाले। वी नीड टू स्टॉप फूलिंग आवरसेल्व्स लाइक दिस। उनको वेंटिलेटर पे रखना मुश्किल होता जा रहा है। वी कांट अफोर्ड हिज हॉस्पिटल बिल्स एनीमोर। डू यू इवन रियलाइज वी हैव नो मनी? ये घर बेचने की सोच रहे हैं पार्ट ट्रीटमेंट के लिए, पर डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं। We need to move on. विक्रांत कब तक ये बिजनेस जिया को संभालेगा मुझे बताओ? अगर वो चला गया ना, mark my words, we will be on the road. और मुझे नहीं समझ आ रही कि उसके बाद हम मेरी ब्रोकर तो ना गाल हो गई, एक दो दिन में घर का सौदा हो जाएगा। लेकिन तुसी फिकर ना करो जी, कार दा की है पूजा। डॉक्टर्स ने कहा है कि ऋत्विक का वापस आना 1% से भी कम चांस है। आपको नहीं लगता पलक को नई शुरुआत करनी चाहिए? इसे कब तक चलेगा? हमें उसको नई लाइफ देनी चाहिए ना मॉम। विक्रांत वॉज दी ओनली वन जो पलक के लिए वो सहारा बन सकता था जिसकी पलक को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरत थी। पलक, कोई जबरदस्ती नहीं है, प्लीज हमारे कहने से। प्लीज सोचो इस बारे में इससे पहले कि विक्रांत यहाँ से चला जाए। जिस तरह से बच्चों के साथ घुल मिल गया है, जिया इस ट्रॉमा से निकली है उसी की वजह से। जिया उससे वैसे ही प्यार करती है जैसे वो ऋत्विक से प्यार करती है। जिंदगी जीनी पड़ती है। यू ऑल हैव टू मूव ऑन। बेटा, ऋत्विक अब शायद पहले जैसा नहीं हो पाएगा ना। पलक पुत्र, मैं तुमसे कह रहा हूं, विक्रांत से शादी कर लो बेटा। सॉरी, ये रूम, ये पेशेंट, यहीं से दिन शुरू होता है, यहीं पे खत्म होता है विक्रांत। पलक, ये बात तुम मुझे 756 टाइम्स बता चुकी हो, और मैं जानता हूँ कि ऋत्विक तुम्हारी दुनिया है और जिया और दिया मेरी। और ट्रस्ट मी, मैंने ना तुमसे शादी सिर्फ जिया और दिया के पास रहने के लिए की है। एंड एज वी डिसाइडेड, वी विल ऑलवेज बी गुड फ्रेंड्स। बट विक्रांत, व्हाई मी?
तुम्हें कोई और अच्छी लड़की मिल सकती है। हाँ तो ठीक है ना, तुम मेरे लिए कोई अपनी जैसी लड़की ढूंढो, I'll marry her. अंदर चलें, केक कट करने का टाइम हो गया। हाँ चलो। पलक। हाँ। ये तुम्हारे लिए। Actually, I was buying coupling for myself, तो सोचा तुम्हारे लिए भी कुछ ले लूं। बहुत फिटिंग है ये। पर आज मॉम डैड की एनिवर्सरी है ना, तुम ये मॉम को गिफ्ट कर दो, पता है उन्हें कितना अच्छा लगेगा, तुम उन्हें देते ना। ओके। मैं पार्टी में जाती हूँ। श्योर। वो मुझे दे दे। तुझे पता ना तेरा एक तरफा प्यार है। उफ़, एक तरफा प्यार भी ना, जताओ तब भी तकलीफ देता है और ना जताओ तब भी। वैसे तुम्हें पता है एक तरफा प्यार बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ये ना शुरू होता है और ना ही खत्म। Look, you know I care for you, right? I mean, we're good friends, hai na? And can I just say that tum ek bahut achhi wife ho, aur ek achhi wife hone ke saath saath tum ek doctor bhi ho, correct? So, you know everything, right? Tumhe pata hai Ricky bhai wapas nahi aane wala hai. रिक्की भाई के एक्सीडेंट ने ना मॉम, शिवी, अमन, रोहित सबको हिला कर रख दिया यार। ये लोग ऑफिस भी नहीं आते थे पता है। आई एम नॉट सेइंग कि उनकी गलती है, इट्स जस्ट नेचुरल। पर अगर विक्रांत आके नून फार्मा ना संभालता ना यार, तो यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यार प्लीज अपने आप को ऐसे टॉर्चर मत करो मॉम। मैं हम कोई तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहता। इट डजंट फील राइट, जस्ट डजंट। और विक्रांत एक बहुत अच्छा लड़का है। I know वो ऋत्विक नहीं बन सकता, तुम तो उसकी पलक बन सकती हो ना, right? Cheers? It doesn't work like that. Why not? I can't move on. इतनी जल्दी आज छोड़ दूँ मैं? उससे रोज मिलने जाती हूँ हॉस्पिटल में, उससे रोज गुड नाइट गुड मॉर्निंग टेक्स्ट मैसेजेस भेजती हूँ, जिया दिया की हर बात बताती हूँ। आई एम श्योर वो सुनता है मुझे। विक्रांत से शादी की है मैंने, पर ऋत्विक की सासों के लिए उससे प्यार नहीं कर सकती, उसे दिल नहीं दे सकती। Come on यार पलक, ये ऋत्विक और पलक की लव स्टोरी है रीवा, तुम नहीं समझोगे। वो ना ऐसे ही इम्तिहान लेता है मेरे, ऐसे ही टेस्ट करता है मुझे, देखना। वो उठ जाएगा और ऐसे बिहेव करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। दो साल से कोमा में रहने के बाद अचानक से हालत खराब हो गई। He is getting short of breath. What are you doing? Injection लेके आओ। Come on, move. Checking the machine, sir. Oxygen level check करो। He's getting worse. इसकी फैमिली कंफर्म करो। बुलाओ उन्हें जल्दी। साला ये इतनी मुश्किल से रिक्की भाई और पलक भाभी को साथ में लेकर आया था, बीच में आ गया पकोड़ा साला। Hey, this is called destiny. You can't help it. Still single, हाँ? चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जल्दी करना यार। This is pure pranayam. This is the best pranayam. जल्दी कर रहा है, आ जाएगी तेरी माँ। This is not right, पापा जी। आप मुझे भी स्मोक करवा रहे हो और खुद पैसे भी स्मोकिंग कर रहे हो। आप खुद पी लो ना, लो। अरे नहीं पी सकता ना यार, समझा कर। जब ममता जी का कीमो चल रहा था, मैंने मन्नत मांगी थी कि कीमो ठीक ठाक हो जाए, मैं जिंदगी भर सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अरे तो ये क्या कर रहे हो? हाथ लगाए क्या? इंटेलिजेंट है। चल चल चल, चालू कर। नहीं नहीं बस हो गया।
चलिए। तू इस औरत का बेटा है कि मुझे यकीन नहीं होता। पापा जी आप मेरी बात तो सुनो। वो डैड को क्या हुआ? वही मॉम। तुम बता क्यों नहीं देते डैड को कि गीता मॉम ने झूठ बोला था? क्योंकि मॉम नहीं चाहती, उनका मानना है कि चीजें और उलझ जाएंगी। चलो चले। कोई फोन नहीं उठा रहा है। Just a mom for bearing with dad for all these years. Happy anniversary. What did you say? He said that louder. He didn't hear it. He's thinking. जब तुम्हारे साथ होती हूँ ना तो एक अलग ही एहसास होता है। कैसे, ये कैसा प्यार है तुम्हारा, इन हवाओं जैसा तुम्हारे चेहरे को छूकर चला जाता है। ये वो प्यार है जो छुआ नहीं जा सकता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जिसे जितना मर्जी पकड़ने की कोशिश कर लो फिसल जाएगा। पता है इन हवाओं की तरह एक दिन ये प्यार भी चला जाएगा। उसे जाने देना, उसे रुकना मत। तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? आज नहीं कोती, वक्त का कोई भरोसा नहीं होता। जिसने हमें मिलाया हो तो फिर दूर भी कर सकता है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि चाहे हम जितने भी दूर हों हमेशा याद रखना ये जो आसमान है ना, विद ऑल दीज ब्यूटिफुल स्टार्स इन इट, ये वो ब्लैंकेट है जिसके अंडर हम हमेशा एक साथ रहेंगे, हमेशा। ये हवाएं तुम्हें मेरा एहसास बनकर तुम्हें छुएंगी, और जब मैं आसपास ना हूं और ऐसे ही तुम्हारी लटे उड़े समझ लेना मैं ही हूं। वो पल तो आएगा ही पलक जब प्यार को जाना होगा और वो यूं ही फिजाओं से उठ जाएगा। ऋतिक तुम क्या कहना चाह रहे हो? यू नो आई कांट लेट गो। पलक पलक It's time to go. चल। ठीक नहीं है, हमने स्ट्रॉन्ग डोज दिया है लेकिन ये दवाइयां दूसरे वाइटल्स को भी हार्म करती हैं। देखिए मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों के लिए काफी मुश्किल घड़ी है, लेकिन ऐसा करके हम
हम इसे और तकलीफ दे रहे हैं। आई मीन लेट गो ऑफ हिम। जब तक ये मशीन्स हैं तब तक ये है। मैं आपको किसी झूठी उम्मीद में नहीं रखना चाहता। मतलब यूथनेशिया, मेरे ख्याल से हमें इन्हें जाने देना चाहिए। आई मीन ये सफर